guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, my name is Usha Visaria and I make videos regarding beauty, lifestyle, travel and challenge videos. तो आपने thumbnail और title से पढ़ भी लिया होगा और देख लिया होगा कि what this video is about. तो मैंने बहुत सारे videos देखे हैं YouTube पे related to this content and बहुत ज़्यादा hype है. तो I thought कि मैं भी बनाऊँ as I have got new collections and बहुत time से I am into perfumes. So I thought why not to make and share with you guys के मैं कौन से perfumes use करती हूँ and अगर आपने इसमें से कोई भी perfume use नहीं किया है तो कैसा review है and आपको try करना चाहिए या नहीं. So without any further delay let's start the video. Most of the perfumes मुझे gift मिला है and मैंने बहुत कम perfumes इसमें से खरीदा है तो मैं वो सब आपको बताऊँगी आगे videos में. So yeah, let's start. So very first perfume which I am using from last couple of weeks and I am very into it. Also disclaimer के सारे perfume सिर्फ women's नहीं होंगे, both women and men दोनों होंगे because मैं men's के भी perfume use करती हूँ because I like the smell of men's perfume more. तो yeah, मतलब आपको ऐसे थोड़ा confusion ना हो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है. तो first perfume which I am using from a long time and I am like very much addicted to the smell is this perfume which is of Fred. और ये आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये न्यू अभी तक मैंने रखा है. ये बहुत टाइम से मिला था मुझे एक्चुअली कोलैबोरेशन में तो मैं नहीं यूज़ करती थी बट रिसेंटली मैंने परफ्यूम यूज़ करना स्टार्ट किया है तो मैंने सोचा कि ये भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ कैसा स्मेल आ रहा है. तो आई स्टार्टेड ट्राइंग इट कपल ऑफ वीक्स बिफोर बट बाद में मैंने ये परफ्यूम के बाद कोई परफ्यूम यूज नहीं किया है. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स. द परफ्यूम नेम इज फ्रेड स्मोकिंग हॉट. तो ये अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. इसका MRP इसमें 899 rupees लिखा है बट मैंने रिसेंटली चेक किया था ये स्मॉल पैक में भी मिलता है और ये साइज में आपको 500 के आसपास मिल जाएगा. इट इज़ अराउंड आई गेस कुछ 280 ml का ये परफ्यूम है. इसमें छोटा भी आपको मिल जाएगा. द स्मेल ऑफ दिस परफ्यूम इज वेरी 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 गुड. ये स्मोकिंग हॉट लिखा है. इसमें और भी वेरिएंट आते हैं. पर्पल कलर का एक मैंने देखा था तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना. तो ये परफ्यूम का बेस्ट थिंग है कि इसका स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड ज़्यादा ऐसे मतलब बोलते हैं ना जो ऐसे स्मेल में बहुत फ्रूटी टाइप रहता है या फिर वो नहीं अच्छा लगता है, बहुत ऐसे नाक में कुछ तो होने लगता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. जब मैंने ये परफ्यूम ट्राई किया था फर्स्ट टाइम आई वॉज इन लव विद द स्मेल. इट लॉन्ग लास्ट अराउंड 5 to 6 hours आई गेस बट ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा. इसका स्मेल इज समवेयर लाइक पार्टीज में जाते हैं या फिर आप फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में जाते हो, यू कैन ट्राई इट. इसका पैकेजिंग भी बहुत कूल है और आपको किसी को गिफ्ट भी देना हो तो ये बहुत मस्त दिखता है. इट इज लाइक ऐसे ओपन करके दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज एंड द स्मेल इज वाओ. इसकी स्मेल एकदम सेक्सी लगती है बॉडी पे लगाने के बाद. लेट्स ट्राई. आई एम लविंग दिस परफ्यूम. मैंने ये मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी रिकमेंड किया था. मैं ऑफिस जाती हूँ अभी तो मैंने ऑफिस में भी बहुत बार ये कैरी किया है तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कौन सा परफ्यूम है तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया था. दिस इज मस्ट मस्ट ट्राई. इट्स क्वालिटी जो स्मेल का है वो लाइक 9.5 out of 10 है. लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ज़्यादा, आई डोंट नो. मैंने बहुत टाइम के बाद यूज़ करना स्टार्ट किया है तो मे बी उसके लिए या मुझे ज़्यादा परफ्यूम का नॉलेज नहीं है बट दिस इज मस्ट ट्राई. द सेकेंड परफ्यूम आई एम यूजिंग इज, मतलब ये परफ्यूम के पहले जो मैं सेकेंड परफ्यूम यूज करती थी इज दिस. ये आपको थोड़ा पैकेजिंग नहीं दिखेगा तो मैं इसको दिखा देती हूँ. इट इज स्प्लेंडेड ब्यूटी और ये परफ्यूम इंडिया में शायद ही मिलता है, आई डोंट नो, बट ये परफ्यूम मुझे गिफ्ट किया था. इट इज़ फ्रॉम दुबई. इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है. आप देख सकते हो कि इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी. इट इज़ अ 100 ml. तो ये अगर इंडिया में इसका वेरिएंट मिलता रहेगा तो आई विल ट्राई
सर्च करूंगी अमेजोन वगैरह पे, अगर अवेलेबल रहेगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है और ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, इट लास्ट फॉर अराउंड 5 to 7 hours, बट इट इज वेरी स्ट्रांग। जो बहुत ज्यादा परफ्यूम स्ट्रांग यूज करते हैं दे कैन यूज दिस परफ्यूम। द थर्ड परफ्यूम विच आई एम यूजिंग, बाय द वे ये सारे परफ्यूम मोस्टली 500 के ऊपर के रेंज के है। द थर्ड परफ्यूम आई एम यूजिंग इज दिस फैसिनेटिंग सकुरा लेडी परफ्यूम, परफ्यूम फॉर फेमस सकुरा ऐसा कुछ लिखा है इस पे। दिस इज अगेन फ्रॉम दुबई, ये यहाँ का परफ्यूम नहीं है, बट आई विल ट्राई इफ ये अगर इंडिया में मिलता होगा। अभी तो बहुत सी चीजें इंडिया में मिलती है, तो इसका लिंक अगर मेरे पास होगा तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो दिस इज ऑल्सो द परफ्यूम विच आई एम इन टू आफ्टर द फ्रेड परफ्यूम। ये पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम है, यू कैन कैरी इट विथ योर जब आप ट्रैवल करते हो तो आप कैरी कर सकते हो। मैं ये ऑफिस लेके जाती हूँ कभी कभी, अगर मुझे ऐसा रहेगा कि मैंने परफ्यूम लगाना भूल गया तो मेरे बैग में रहता है यूज करना। एंड इट स्मेल्स समवेयर लाइक फ्लावरिश रहता है या फ्रूटी फ्लेवर काइंड ऑफ रहता है, मोस्टली इट इज फ्लावर वाला फ्रेग्रेंट टाइप में। इस पे ऐसा डिजाइन भी है फ्लावर की, यानी बहुत छोटू सा ये, मैंने अभी अभी यूज करना स्टार्ट किया है। इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा और ये बहुत क्यूट पिंकिश ऐसे पिंक और ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है एंड वेरी हैंडी, सो यू कैन ट्रैवल दिस। इसका कॉस्ट वगैरह आई डोंट नो, बट ये 20 ml की बॉटल है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट इफ यू आर इन टू ट्रैवलिंग। तो यू कैन हैव दिस, इट लास्ट फॉर अराउंड 7 to 8 hours, तो इट इज़ वेरी वेरी नाइस परफ्यूम। द फोर्थ परफ्यूम विच आई हैव इज अगेन फ्रॉम दुबई। मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा परफ्यूम है जो दुबई के हैं, बिकॉज मेरी मम्मी की फ्रेंड है जो दुबई में रहती है, तो वो वहाँ से लेके आती है, सो वी हैव कलेक्शन मोस्टली फ्रॉम दुबई। सो दिस इज द फोर्थ परफ्यूम विच आई एम इंटू, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो लोगों को ज़्यादा मेन्स परफ्यूम में इंटरेस्ट नहीं है, दे कैन ट्राई दिस परफ्यूम और दिस परफ्यूम। ये मतलब मैंने बहुत रेयर लोगों को देखा है इसके ऊपर ऐसे परफ्यूम यूज करते हुए, तो मैंने अपने फ्रेंड को रिकमेंड भी किया था। ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप लेके जा सकते हो, आपके बैग वगैरह में आराम से फिट हो जाएगा। द परफ्यूम नेम इज क्राउन परफ्यूम सॉफ्ट ऐसा उसका लिखा है, एंड इट इज आई गेस 35 ml की बॉटल है ये, एंड इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा सुंदर है, एंड इसकी पैकेजिंग भी इतनी रिच और एकदम जो बहुत ज्यादा गिफ्टिंग में है या किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो दे कैन डेफिनेटली गो विद दिस परफ्यूम। द पैकेजिंग इज ऑसम एंड इट स्मेल्स मोस्टली लाइक फ्रूटी फ्लेवर में स्मेल है, एंड इसका लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा शायद कम है जहाँ तक मेरा नॉलेज, और मैंने यूज किया इट लास्ट अराउंड 4 to 5 hours ओनली, एंड आई डोंट नो अभी से ज़्यादा भी होता होगा तो मेरा इतना ध्यान नहीं रहता है। बट दिस परफ्यूम इज ऑल्सो अगेन द बेस्ट इन स्मेलिंग पावर, एंड इट लाइक ऐसा ये परफ्यूम सूंघने के बाद से लगता है कि यार ये कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक टाइप है, सम टेस्टी कुछ फ्रूटी फ्लेवर में है ना, तो इट इज बेस्ट। तो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस परफ्यूम। इसकी पैकेजिंग अगेन इज वेरी नाइस, ऊपर गोल्डन पूरा है, नीचे का बॉटल का शेप भी बहुत अच्छा है, और एक ट्रैवल कर सकते हैं हम बैग्स वगैरह में भी आराम से आ जाएगा, और ये हैंडी भी है, ज़्यादा मोटा या फिर जैसा बहुत इशू होता है तो आप ये परफ्यूम के साथ भी जा सकते हो। इसका भी अगर लिंक होगा अमेजोन वगैरह का मैं ट्राई करूंगी कि डाल दूँ अगर ये कोई भी, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलता होगा तो आई विल ट्राई टू पुट द लिंक्स ऑफ ऑल द परफ्यूम्स इन द कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट। नेक्स्ट परफ्यूम आई हैव इज द फिफ्थ परफ्यूम विच इज अगेन लाइक मेन्स परफ्यूम काइंड ऑफ है, ये मेन्स ज्यादा यूज करते हैं। आई डोंट नो इसमें फीमेल वर्जन भी आता है या नहीं, बट द फिफ्थ परफ्यूम आई एम लाइकिंग, बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है विच इज नॉट माय वाइब, बट समटाइम्स आई वेयर इट इफ मेरे को बाहर इवेंट्स वगैरह में जाना हो तो। इट इज कामा सूत्रा का परफ्यूम, कामा सूत्रा स्पार्क, एंड इट इज 100 ml की बॉटल। ये मिल जाएगा अमेजोन वगैरह पे भी आपको, तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। इट लास्ट फॉर अराउंड 7 to 8 hours।
इसमें और भी फ्रेग्रेंस आते हैं, वेरियंट आते हैं, यू कैन ट्राई इट. अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं या फिर यू आर इनटू लाइक जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, इवेंट जाता है, पार्टीज वगैरह जाता है, क्लबिंग जाता है, यू कैन ट्राई दिस परफ्यूम. आई थिंक ये मेन्स परफ्यूम है बट आई डोंट नो आई लाइक द स्मेल. इफ आई लाइक द स्मेल आई जस्ट डोंट केयर वेदर इट इज मेन्स और वुमेन्स. सो या इट इज ऑल्सो मस्ट ट्राई. लास्ट two perfumes which I have is not a perfume but it is kind of deodorant I guess. One is this signature wala signature x signature which states that it is 72 hours dual action technology wala for the perfume hai. ye maine aur mere pappa ne laya hai because he is a big fan of perfume. so this is how the packaging looks. normal perfume type पी है ये. एक्चुअली नॉर्मल ये परफ्यूम नहीं है, ये डिओड्रेंट है, बॉडी डिओड्रेंट है. तो ये मेंस का डिओड्रेंट है विच स्मेल ओके ओके लाइक आई डोंट लाइक मच बट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग या फिर मैं कहीं बाहर जाती हूँ और अभी समर में बहुत स्वेटिंग भी होता है तो समटाइम्स आई कैरी दिस. तो ये स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है. इट इज सिग्नेचर एक्स सिग्नेचर रोज इन फ्लेवर ऑफ रोज फ्लोरल बॉडी फ्रेग्रेंस. इसमें भी बहुत ज्यादा वेरियंट आते हैं. आई विल ट्राई टू लिंक इट ऑल एंड इट कॉस्ट फॉर अराउंड 245. सो दिस इज द डिओड्रेंट एंड ये लॉन्ग लास्टिंग पावर इतनी इसकी सुपर नहीं है. इसमें 72 आवर्स लिखा है बट इट लास्ट फॉर अराउंड यू कैन से 15-20 आवर्स के आसपास ही. ज़्यादा मैंने कभी यूज नहीं किया है तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू लाइक गिव यू द रिकमेंडेशन कि आप यूज़ करो. बट अगर आपने यूज़ किया है तो कॉमेंट सेक्शन पर बताना कि हाउ इट वर्क्स ऑन योर बॉडी. द लास्ट परफ्यूम और वी कैन से द लास्ट डिओड्रेंट वी हैव इज this deodorant which is of ocean liquid deodorant killer ऐसा एक्सेस लिखा है कुछ ऑल डे फ्रेशर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस. सो ये मैंने यूज किया है, ये ऑलमोस्ट खाली होने आई है. इट वर्क्स वेरी वेल ऑन माई बॉडी बिकॉज ऑफ ड्यू टू अ लॉट ऑफ स्वेटिंग. तो मैं ये लगाती हूँ कभी कभी, हर टाइम नहीं लगाती हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आई प्रीफर परफ्यूम्स इरिस्पेक्टिव दैट I prefer more of perfumes rather than deodorants directly on my body because मुझे ऐसा लगता है कि black हो जाता है deodorant वगैरह use करने पर. but this deodorant works very well. इसका smell is थोड़ा सा weird while applying but if आप अंदर body पे deodorant लगा के ऊपर perfume मारोगे तो इतना कुछ issue नहीं होगा. but it smells really weird but it works very well. it long lasts for around 15-18 hours and I guess it is like cool. it cost around 269 and the X signature cost around 245 but ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है बॉडी पे rather than that. so yeah this is that is what my so this is what I have in my perfume collection. I hope आपको अच्छा लगा होगा and do let me know कि आपको और ऐसे videos चाहिए because I am really into perfumes. so also let me in the comment section which perfume do you want me to try because of a lot of traveling nowadays I am doing. I am going out, meeting people, going office and a lot of things are going on. so I am really into perfumes. मतलब मैं ऑफिस में जाके भी मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं परफ्यूम लेके आते हैं, मैं वो ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि कौन सा अच्छा है. फिर अगर उसमें कुछ अवेलेबिलिटी हो या मेरे बॉडी पे या फिर मेरे स्मेलिंग पावर पे सूट करता है या नहीं. बिकॉज देर वॉज अ टाइम आई डिड नॉट लाइक परफ्यूम एट ऑल बट नाउ आई हैव सो मैनी परफ्यूम्स with me and I am using many of them. so I hope कि ये video आपको काम आ सके या फिर आप अगर परफ्यूम में हो तो यू कैन ट्राई एनी वन ऑफ देम. जितने भी परफ्यूम के लिंक्स मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर देखना. और डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन के विच परफ्यूम आई शुड यूज अहेड. ऑल्सो इफ यू आर हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. We have to reach 500 subscriber very soon. I know I have been very inactive lately but I am trying my best to post videos but I am posting my shorts which you guys are liking. so thank you so much for that and I hope aapko ye video acha laga hoga. if you have liked this video do share with your friends who are into perfume then do let me know if you want more such videos and main aapko next video mein milti hu. bye.